हमारी जो कंपनी है कोलेक्टिंग सोडा मशीन बेवरेज इंडस्ट्रीज के रिलेटेड नई नई मशीन्स बनाती है। और जैसा कि आज के वीडियो में आप देखोगे दोस्तों, काफ़ी एक यूनिक चीज़ स्क्रू कैपिंग मशीन हमने बनाया है आज। और इसके अलावा ROPP कैपिंग मशीन है, वो भी हम बनाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपिंग के बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगा। ऑटोमेटिक जो मशीन है हमारा कैपिंग का, वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी स्पीड है, एक्यूरेसी कैसी है, वो आपको सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिले। दोस्तों अब हम आपको पूरी मशीन की डिटेल देंगे, क्या मशीन का साइज है, ठीक है, उसकी जो बाउल है, बाउल की क्या कैपेसिटी है, वाइब्रेशन की क्या कैपेसिटी है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, हमने इसके अंदर जो है 10 फुट का कन्वेयर दिया हुआ है SS का 304 के, इसके अंदर पूरे बेल्ट डाला हुआ है हमने पूरा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल रेगुलर साइज में 5 फुट का कन्वेयर आता है, लेकिन जो हमारे कस्टमर है, जो जिन्होंने हमसे बॉटलिंग प्लान लिया है, उनकी डिमांड थी आगे वो बैच कोडिंग मशीन रखने वाले हैं, ठीक है, और स्विंग टनर रखने वाले हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने दोनों तरफ से इसकी जो साइज है बढ़वा दी। तो आपको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उसके मुताबिक कन्वेयर बेल्ट आपको उसमें सेटअप करके मशीन में दे देंगे। दोस्तों ये जो बाउल इसका देख रहा है, विद वाइब्रेटर है, इसकी जो कैपेसिटी है 800 से आप 1000 इसके अंदर कैप जो है आ जाएंगे आसानी से। अब हम आपको इसका पैनल बोर्ड बता रहे हैं दोस्तों, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका स्टार्ट की स्विच दी हुई है, स्टॉप की स्विच दी हुई हमने, ठीक है। इसका जो वाइब्रेटर है यहाँ से ऑन होगा, और कितनी स्पीड आपको करनी है वाइब्रेटर की ताकि कैप शूटर से नीचे आए, वो यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ से जो कन्वेयर की स्पीड है, कैपर की स्पीड है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये जो मशीन है अभी हमारा, इसके अंदर 24 से लेके 20 mm तक के जो कैप है वो कैपिंग होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 80 बॉटल पर मिनट, ठीक है, मतलब 80 जो है आप कैप इसके अंदर पर मिनट में कर पाओगे आसानी से। ये हमने मशीन के अंदर यहाँ पर ये न्यूमेटिक कैप प्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कैप जो अगर आपका आना जा रहा है यहाँ आगे से, ठीक है, या टेढ़ा जा रहा है, तो उसको प्रेस करके उसको अच्छे से सही कर देगा, सीधा कर देगा। और ये मैग्नेट बेस इसका कैपर है ये, ठीक है। अभी हम आपको मशीन स्टार्ट करके बताएंगे किस तरीके से मशीन पूरा काम कर रहा है, वन बाय वन स्टेप इसकी पूरी डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाउल के अंदर आपको जो बाउल है इसमें आपको अपने कैपेसिटी के मुताबिक डाल सकते हो। हमने कैपर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, 800 तक कैप आप इसके अंदर आसानी से डाल सकते हो। अभी हम यहाँ से हम वाइब्रेटर ऑन करेंगे, ये जो इसका वाइब्रेटर है इसको ऑन करने के लिए यहाँ से अपने ने ऑन कर दिया, और इधर से आप इसकी स्पीड जो है प्लस माइनस कर सकते हो वाइब्रेटर की, ठीक है। ये देखिए 80 तक इसकी स्पीड आप कर सकते हो आसानी से, 80 तक आप स्पीड यहाँ पर कर सकते हो। अभी मशीन को हम स्टार्ट करेंगे, 40 की स्पीड हमने रखी हुई है इसमें, ठीक है। ये देखिए मशीन अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो, ये इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, 50 की स्पीड इसको कर लेंगे हम।
मशीन लगाने से आपको प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका पहली बार तो जो है लेबर कॉस्ट जो है आपका वो कम हो जाएगा, ठीक है, आपको वर्कर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये आपको सिर्फ कन्वेंशनल मोटर्स नहीं यहाँ पर हो रही ऑटोमेटिक कैपिंग होकर आगे निकल जाएगा। और इसी मशीन के अंदर आप आगे जाके अगर आप चाहो तो स्विंग टनल भी आप अपना ऐड कर सकते हो, और बैच कोडिंग मशीन भी अगर आपको लगाना हो तो भी आप उसमें लगा सकते हो, ताकि बॉटल में ऑटोमेटिक जो है आपका बैच जो है बैच प्रिंटिंग हो जाए, मैन्युफैक्चर डेट या बैच नंबर जो भी आप डाल लो, ठीक है। तो इसी कन्वेयर के अंदर जो है आप सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, उसका होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फिलिंग प्लांट अगर आप यूज़ कर रहे हो वर्टिकल या कोई और प्लांट, और अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक कैपर है आपके पास में, तो आप हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस कैपर को आप ऐड कर दोगे साथ में तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा और आप प्रोडक्शन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारी जो कंपनी है क्वालिटी सोडा मशीन जानी जाती है हमारी क्वालिटी के लिए और इनोवेशन के लिए। हम ट्राई कर रहे हैं डे बाय डे कि हम कितना आसानी से जो कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सके, जिससे कस्टमर का काम आसान हो, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़े, ठीक है। इसलिए हमने इस कैपर को तैयार किया है। आने वाले समय में हम ट्राई करेंगे कि इसी कैपिंग मशीन में हम जो है फिलिंग प्लांट को भी ऐड करें, ठीक है, ताकि जो है ऑटोमेटिक जो है फिलिंग प्लस कैपिंग प्लस रिंसिंग मशीन उसी के अंदर हो जाए। तो आने वाले समय में आपको उसका भी वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।